कहा है, कहते देखे बात यह है कि ना तो वो बदतमीजी कर रहा था, ना वो कोई चुटकी काट रहा था रमीज राजा को, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल, मजे नहीं ले रहा था, सीधा सीधा उसने एक सवाल किया था, तेज नहीं खेलता या इफेक्टिव नहीं खेलता विराट कोहली, तो उसने कई दफा करके दिखाया, अभी भी दिखाया। बाबर आजम को तेज खेलना पड़ेगा, ये रिजवान और बाबर दोनों एक ही लाइन से, नहीं जमता भाई पाकिस्तान के लिए। बीसीसीआई का आ गया ना, आ गया बीसीसीआई का, दे आर कंसर्न, बड़ों की बैठक हुई है, हाईली रिस्पॉन्सिबल सोर्स बीसीसीआई का कह रहा है कि सौरभ गांगुली जैसा बैठे। जय हिंद दोस्तों, बीसीसीआई भी नाखुश है और पाकिस्तान के कुछ समझदार लोग भी, कुछ जो दिमाग रखते हैं, मेंटेलिटी रखते हैं, एनालिसिस स्किल्स रखते हैं, वे भी, दोनों की वजह अलग अलग है। बीसीसीआई इसलिए नाखुश है अपने मिडल ऑर्डर से, मिडल ऑर्डर पर क्या कहना, मिडल ऑर्डर पर बीसीसीआई की मीटिंग हुई और वहीं से ये खबर निकल कर आई। और दूसरी तरफ रमीज राजा जो भड़के थे इंडियन पत्रकार पर, उससे नाखुश हैं वे लोग जिन्हें पता है कि भारत से संबंध जो थे, क्रिकेट रिलेशन जो थे, वो बेहतर अगर होंगे तो अच्छा होगा, जिनमें से एक रमीज राजा भी थे, वे भूल गए थे। तो चलिए देखते हैं इन दो बड़े खास मुद्दों पर क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, कैसे अपडेट्स हैं और कैसा एनालिसिस है। सब ने कहा है, कहते देखे बात यह है कि ना तो वो बदतमीजी कर रहा था, ना वो कोई चुटकी काट रहा था रमीज राजा को, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल, मजे नहीं ले रहा था, सीधा सीधा उसने एक सवाल किया था। और जर्नलिस्ट जो है उसका राइट होता है, हम राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को किसी सूरत में जो है डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत हुआ है। और ये पीटीआई के लोगों ने भी मुझे कहा है, ये सिर्फ हुकूमत नहीं, बारह जमाती इत्तेहाद में, शुक्रिया, ये मुझे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने रमीज को लगाया है, ये उन्होंने भी मुझे कहा है, उन्होंने कहा जी बहुत गलत हरकत है, हम भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि रमीज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ही इज द फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ऑलरेडी, वी आर नॉट इंजॉयड कॉर्डियल रिलेशन, वी शुड हैव बीन देयर, हां जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज कुकिंग बिटवीन द टू नेशंस, द टू कंट्रीज, वी नेवर इंजॉय आइडियल रिलेशंस, बट अवर स्पोर्ट्स ऑलवेज अंडर द शैडो या जिसमें भी है होती रही है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने कहा हम बात करेंगे इमरान खान साहब से, मेरा ख्याल है इमरान खान ने देखा होगा ये, मैं नहीं मानता इतना बड़े एपिसोड हुई है कि इमरान साहब ने ये ना देखा। और रमीज राजा साहब ने देखें इस वक्त एक इशू बना दिया, एक नॉन इशू को एक इशू बन गया। अगर आपको गुस्सा था, अगर आप पूरा जहाज भर के पाकिस्तान से ले गए थे पीसीबी के का और पाकिस्तान की कौम के पैसों का, क्रिकेटर्स के पैसों का, कौम का पैसा, मैं इसलिए नहीं कहता कि ये टैक्स पेयर मनी है, ऑब्वियसली ये टैक्स पेयर मनी नहीं है, हाँ, बल्कि पीसीबी टैक्स देता है, लेकिन भाईजान कौम का पैसा तो है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ रिजवान हैदर साहब, हाँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा सख्त रिजेंटमेंट है, और अब ये जो सादिया तैमूर है, इन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन मूव कर दिया पंजाब असेंबली में, ही डिमांडेड सेकिंग टर्मिनेशन, किकिंग आउट ऑफ मिस्टर रमीज राजा फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। भी जो रिकॉर्ड है वो फिनोमिनल है, फिनोमिनल। T20 में पता नहीं क्या हो गया था जनाब, जो राशिद भाई ने या हफीज ने, किसने बोला था कि इतने तेज नहीं खेलता या इफेक्टिव नहीं खेलता विराट कोहली, तो उसने कई दफा करके दिखाया, अभी भी दिखाया, अगर वो 40 गेंदों पे 50 कर रहा है तो अगली 20 गेंदों पे वो अगले के 40-50 रन करने की सलाहियत रखता है, एंड ही हैज डन इट टाइम एंड अगेन। बाबर आजम को तेज खेलना पड़ेगा, ये रिजवान और बाबर दोनों एक ही लाइन से, वो नहीं जमता भाई पाकिस्तान के लिए, तो चल रहा है बाबर आजम उस नक्शे कदम पे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पावर हिटिंग तो विराट कोहली फार अहेड। हांगकांग से रोहित भी कह रहा है, राहुल भी कह रहा है, विराट भी कह रहा है, पंत भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं, तू भी कह रहा है, हार्दिक बाहर बैठ गया। क्यों? अबे जिस बंदे को मैच चाहिए उसे बाहर बिठा रहे हो। बाकी देखो ऊपर की जो आपकी तीर है तो लाजवाब, लेकिन हमने पहले भी कंसर्न शो किया था कि शायद थोड़ा आउट ऑफ बीसीसीआई का आ गया ना, आ गया बीसीसीआई का, दे आर कंसर्न, बड़ों की बैठक हुई है, हाईली रिस्पॉन्सिबल सोर्स बीसीसीआई का कह रहा है कि सौरभ गांगुली जैसा बैठे हैं और यही कहा कि मिडल में रन नहीं आ रहे। भाई स्काई अपनी विकेट फेंक रहा है, हांगकांग की इनिंग को मैं देखो, स्काई का मैं सबसे बड़ा एडमायरर हूं, एंड आई नो ही हैज ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड, बट ही इज थ्रोइंग अवे हिज विकेट। बाबर का और स्काई का बीच में चल रहा था जनाब, कौन ऊपर पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे। बाबर का तो बहुत ही पथेटिक गया एशिया कप,
लेकिन एक इनिंग एक इनिंग में इसके साथ आए छह इनिंग्स में बैंकॉक वाली एक इनिंग्स को अगर आप निकाल एक इनिंग को निकाल दे तो बाकी उसका भी बहुत पुअर गया है। दिल तो कर रहा बैंकॉक जाने का, दिल कर रहा हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो दोनों का पहले नंबर के दूसरे नंबर के बैट्समैन थे जैसे ही पहुंचे हैं जनाब एशिया कप में। सिराज ने इमाम को आउट कर दिया दोनों इनिंग्सों में ले गया। तो चलो जी अच्छा मैं समझा कि कोई वनडे मैच चल रहा है। एनीवेज तो दोनों ऊपर नीचे थे बाबर और स्काई। बाबर का बहुत ही बुरा, बिल्कुल पथेटिक किस्म का उसका एज ए बैट्समैन भी और एज ए कप्तान भी बहुत बुरा टूर्नामेंट गया। स्काई की वो इनिंग्स थी जो हांगकांग के खिलाफ दैट वाज टू गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह उसने हिटिंग की लाजवाब, लेकिन अच्छी और तगड़ी टीमों के खिलाफ एक आधा अच्छा छक्का मारा निकल गया। नहीं वो उससे फायदा नहीं है। हाँ, इट डजंट सर्व योर पर्पस, योर टीम डजंट गेटिंग व्हाट पोटेंशियल है। हाँ है लेकिन बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यू पोजेस। भाई श्रेयस अय्यर इसलिए बाहर नहीं हुआ कि शॉर्ट पिच बॉलों पे नहीं चल रहा, वो इसलिए बाहर हुआ है कि स्काई अच्छा कर रहा है। जब स्काई अच्छा नहीं करेगा तो अल्टीमेटली स्काई बाहर हो जाएगा। संजू सैमसन क्यों बाहर हुआ है, क्यों? बाकी देखो ऊपर के जो तीन इंडिया के उनको लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न था, लेकिन विराट कोहली के लिए बहुत ही शानदार और एंड पे जो सेंचुरी आई है काफी लोग जो है वो खुश हैं कि जनाब बहुत ही शानदार किस्म की। हालांकि उससे पहला मैच जो श्रीलंका वाला था क्रूशल, उसमें जैसा बोल्ड हुए थे लोग बहुत ही नाराज थे कि यार ये विराट कोहली का कैलिबर ही नहीं है इस तरह बोल्ड होने वाला, सीधे बल्ले से शॉट खेलने वाली तिरछे बल्ले से शॉट खेलने बोल्ड हो गए एक बच्चे से। लेकिन अगले ही मैच में उन्होंने जनाब शो किया जो इतने अरसे से नहीं आया था। ओवरऑल उनका अच्छा डिसेंट बहुत अच्छा चला गया एशिया कप। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, एशिया कप से बाहर होने का जो दुख है उस पर मरहम मलहम दोनों में से एक शब्द सही होता है, तो उसका काम किया है इस सेंचुरी ने। विराट कोहली को फॉर्म में पाकर खुश हो गए हैं फैंस और अच्छी बात है। T20 वर्ल्ड कप में हम एक बड़े धमाके की उम्मीद कर सकते हैं विराट कोहली से। यहाँ हुई बातचीत पर अपनी राय बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।